देखिए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर आप देखें आज तक टोटल जो जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो SOP इसके लिए बनाया गया था उसके तहत टोटल आज तक 1165 अराइवल थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के। इन 1165 में से 542 ज़िला श्रीनगर के रेजिडेंट हैं, जिसका मतलब साफ है कि मेजॉरिटी जो अराइवल्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर के वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि जितने ट्रैवलर्स आज तक आए हैं एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट से, उनमें एक पॉजिटिव केस आया था एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान, जो बांडीपुरा का रेजिडेंट था। उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें 8वें दिन दोबारा टेस्टिंग करनी होती है। जब दोबारा टेस्टिंग की गई तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं और उनको आइसोलेट करके जो हमारा खनमू में 500 बेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ उनको दाखिल किया गया है। इसके अलावा उनकी जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं उनकी फैमिलीज को भी टेस्ट किया गया है। लकली फॉर्चुनेटली जो फैमिलीज हैं वो नेगेटिव हैं, तो और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ खितों से ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी फास्ट स्प्रेड है, काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में हमें जो कोविड SOPs हैं वो फॉलो करने हैं, कम्प्लीटली इन लेटर एंड स्पिरिट उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कोविड SOPs का वायोलेशन करना कल हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, और ख़तरनाक ही नहीं बल्कि सुसाइडल भी साबित हो सकता है। और तभी हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब कभी जाकर फिर लॉकडाउन की बातें होती हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। मैं तमाम श्रीनगर वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट या जो भी वेरिएंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ही रहता है, क्योंकि जितने भी अराइवल्स हैं चाहे वो इंटरनेशनल हैं चाहे वो डोमेस्टिक हों, ज़िला श्रीनगर में ही गुजर बसर यहीं होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। Thank you.